सबसे पहले आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जिसे कई लोग बुलडोजर जस्टिस कहते हैं, कई लोग बुलडोजर का आतंक कहते हैं, कई लोग त्वरित न्याय का प्रतीक मानते हैं और कुछ लोग धर्म के आधार पर चिन्हित करके बुलडोजर एक्शन कहते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार करते हुए कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक हटाने से फिलहाल इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर स्टे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है और फैसला सुरक्षित रखा है, जल्द ही इस बारे में गाइडलाइंस जारी होंगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि आरोपी हो या दोषी, तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। अदालत ने आज कहा है कि हम ये साफ कर देंगे कि अगर FIR दर्ज हो जाए तो कोई व्यक्ति आरोपी है या दोषी, सिर्फ यही बुलडोजर चलाने का आधार नहीं हो सकता। अदालत का कहना है कि अवैध निर्माण साबित होने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, महिलाओं बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर किसी के अवैध निर्माण को गिराने से पहले नोटिस देना है तो वो नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाए, न कि केवल प्रॉपर्टी पर जाकर नोटिस चिपका दिया जाए। नोटिस भी केवल उस प्रॉपर्टी के मालिक को दी जानी चाहिए। दरअसल ऐसा कई बुलडोजर एक्शन में देखा गया कि प्रशासन कहता है कि नोटिस दे दी, जबकि संपत्ति मालिक नोटिस न मिलने का दावा करता है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कहा है कि उसका आदेश किसी भी तरह से अवैध निर्माण करने वालों को, अवैध कब्जा करने वालों को किसी तरह की राहत नहीं देने वाला। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, सीधे तौर पर बुलडोजर जस्टिस को लेकर जिस तरह की आशंकाएं थी, कोर्ट ने भी वही प्रकट करते हुए ये सारी चीजें अपनी कही हैं, लेकिन फैसला कब इस पर आएगा, अभी सुरक्षित रखा है? जी श्वेता, आज कोर्ट ने सभी पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन, इसकी दोनों जजों की पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई की और उन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं और हमारा गाइडलाइन, हमारा जो आदेश है, जो गाइडलाइन होगी वो पूरे देश के लिए जाति धर्म और सबसे ऊपर उठकर होगी, सबके लिए बराबर होगी। कोर्ट ने कहा कि डूज एंड डोंट्स तय होने चाहिए और ये नहीं कि कोई भी आदमी अगर आरोपी है या दोषी है तो सजा सिर्फ उसको मिलनी चाहिए, उसके परिवार को सजा देने का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से घरों पर, उनके संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे, इससे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों को भी बुलडोजर की भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए ताकि लोग बिल्कुल सड़क पर असहाय ना हो जाए, वो वैकल्पिक काम कर दे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह बताया कि पूरे देश में लगभग 4 लाख 4.5 संजय की आवाज ठीक से नहीं आ रही है हमारे पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और उसके बाद से सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा क्या जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि अवैध निर्माण अगर होगा तो उसे जरूर ढाया जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद। पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई है जिसमें यह शिकायत की गई थी कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी उत्तर प्रदेश से पहले से सामने आती रही। बुलडोजर चला है, उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में। और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खासकर उन लोगों पर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। और कई ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जब कभी भी न्यायालय उन पर विचार करेगा तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी उस पर। आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था।
सुप्रीम कोर्ट क्यों बुलडोजर एक्शन को लेकर चिंतित है, इसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की एक खबर से समझते हैं। कन्नौज में विवादित जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। विरोध में महिलाएं जेसीबी के आगे आकर लेट गई। पुलिसकर्मी बुलडोजर के आगे लेटी महिलाओं को जमीन पर खींचते हुए हटाते हैं और अब ऐसी ही वो तस्वीरें सामने आती हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि नियम अनुसार पहले नोटिस भेजी जाए, पर्याप्त समय वैकल्पिक जगह खोजने के लिए दी जाए, फिर अवैध निर्माण हटे ताकि किसी महिला को किसी बच्चे को सड़क पर ना आना पड़े। पहले इन्हें हम पर 5 लाख रुपया ले। किसने? इन्हें गुप्ता ने। इन्हें और इन्हें कहे कि भैया तुम अपना बनावा, हमारा तुम्हारी लिखा पड़ी की गई बात ही नहीं है। तो हमें इन्हें दिला था तो हमने कहे 11 लाख रुपया ईमान लगाई हुए मैया बनाओ लगाई सकते तो कि नहीं कि काहे बनवाओ तुमने, हमने जब हमारो तुम्हारो आई नहीं तो तुमने काहे बनवाओ और लगाई सकते तो कि नहीं। अब इन्हें हमें दिला था देखे हमने मकान बना के तैयार करो तो इन्हें गिरवाई दो। आज उप प्रकरण में जांच पश्चात ये पाया गया है कि एक महेंद्र गुप्ता जो तिरवा के रहने वाले हैं, ये नसरापुर में उनकी भूमि है जिसपे कुछ दुकानें बनी हुई थी जिसको इनके द्वारा ही तोड़ा जा रहा था, जिसमें कुछ विपक्षी लोग जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इस पर 112 पे पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, थाने की फोर्स पहुंची और इसमें लड़ाई झगड़े की सूचना पे पुलिस पहुंची थी। इसमें तुरंत जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई, आगे जाँच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।